आज हम अपने किसान भाइयों की एक बहुत ही जो पुरानी समस्या रहती है, जो बहुत ही वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रायलर करें या लेयर करें, तो सबसे पहले हम अपने जो है किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ब्रायलर जो होता है वो मीट पर्पज के लिए होता है और जो लेयर होता है वो अंडे की पर्पज के लिए होता है। अगर ब्रायलर करना चाहते हैं तो ब्रायलर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। वो आप अकेले भी कर सकते हैं या घर परिवार के सदस्य मिलकर आप उसको ब्रायलर को कर सकते हैं। जबकि जो लेयर होता है, लेयर जो होती है ये थोड़ा सा मुर्गी जो है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होती है और ये थोड़ा सा ज़्यादा लागत वाला काम है। अगर आप 100 मुर्गी पालेंगे अंडे वाली तो मान के चलिए कम से कम आपको जो है आज की डेट में जो है 400 या 500 रुपये अंडे देने तक आपको उस पर खर्च करना पड़ेगा। मतलब 50,000 रुपये आपको 100 मुर्गी पे अंडे लेने तक आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जब 100 मुर्गी अंडा देना शुरू करेगी तो आपको कम से कम मान के चलिए कि प्रतिदिन जो है वो 90 अंडे या 95 अंडे 100 मुर्गी में से मिलेंगे। और जो अंडे वाली मुर्गी होती है वो आपका अंडा 4.5 महीने पर देना शुरू करती है और उसके बाद वो फिर एक साल जब से वो अंडा देना शुरू करेगी तब से लेके और एक साल तक वो जो है अंडा देती रहती है। और फिर वो उसके बाद जो है अंडा देना बंद कर देगी। बंद क्या, थोड़ा सा कम हो जाता है प्रोडक्शन उसका, लेकिन फिर वो आपकी जो दाना खाएगी, जो आपकी मेहनत होगी उस हिसाब से उसका अंडे का उत्पादन नहीं आएगा, तो थोड़ा सा नुकसान होता है। अगर आप लेयर करना चाहते हैं, लेयर मुर्गी जो होती है वो अभी जो अपने भारत देश में या अपने इंडिया में जो ब्रीड चल रही है वो BB300 है। वो मुर्गी की खासियत ये है कि वो 360 दिन में 320 अंडे देती है। उसका नाम 300 है लेकिन वो साल में 360 दिन में 320 अंडे देगी। और अगर आप 100 मुर्गी पालते हैं तो फिर आपको जो मैंने लागत बताई थी करीब 400-500 रुपये, तो उस लागत के हिसाब से अपने बजट को देख लें। और लेयर का जो फार्मिंग होती है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत रहती है। मतलब वो एक किसान भाई जो है वो अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं कर सकते हैं उसमें, वो पालने के लिए फिर उनको किसी एक डॉक्टर या फिर किसी भी एक पशु चिकित्सक की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कई वैक्सीन्स होती हैं। पूरे एक साल आपको मुर्गी को रखना होता है तो उसमें कई तरह की वैक्सीन लगती हैं और टाइम टाइम पर उसमें जो है आपको मेडिसिन और दवाएं भी देनी रहती हैं। मैं अपने किसान भाई को यही सलाह दूंगा कि अगर आप कम बिजनेस में कम पैसे में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और कम मेहनत में यह करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ब्रायलर जो है वो सबसे अच्छा होता है, उसमें आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी। किसान भाइयों को बताऊँगा कि आप ब्रायलर पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेयर करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हाँ अगर आप ब्रायलर पाल लेंगे तो फिर धीरे धीरे अपने आर्थिक स्थिति को संभालने के बाद फिर आप लेयर में जा सकते हैं। और लेयर जब भी करना हो तो हमारे किसान भाई जो है वो 3,000 मुर्गी से शुरुआत करें। और मुर्गी पालन करते समय इन 5 बातों का जो है किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जो जगह का चुनाव करें, जो फार्म हो वो आदमी की आबादी से दूर होनी चाहिए। वो जितना दूर आप उसको रख सकते हैं रख दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जब फार्म चलने लगता है तो थोड़ी सी महक ऐस मिल जाती है तो आसपास के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो इसलिए जगह का चुनाव सही करें। दूसरी चीज़ जो है, आप जहाँ पर फार्म बना रहे हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, जिससे आपके फार्म पे जो है गाड़ियाँ जा सकें, जिससे आपका फीड पहुँच सके, जिससे आपका तैयार माल जो है बाज़ार में जा सके। तो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे ख़ास चीज़ एक और है वो वहाँ पे पानी की उपलब्धता, क्योंकि इस मुर्गी में पानी का जो खपत होती है बहुत होती है, क्योंकि मुर्गी जब 15-16 दिन की होती है तो 500 मुर्गी करीब जो है एक दिन में जो है 500 लीटर 600 लीटर पानी की उसमें खपत होती है, तो पानी का खासकर जो है उपलब्धता होनी चाहिए। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो बिजली की, क्योंकि बिजली रहेगी तो लाइट की भी व्यवस्था होती है, लाइट की व्यवस्था रहेगी और लाइट की व्यवस्था के कारण जो है आप पानी या जो आपका समर्सिबल चलता है वो कई चीज़ें लाइट से होती हैं। ब्रूडिंग में लाइट का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि शुरुआत में ठंड में या गर्मी में जब ब्रूडिंग करते हैं बच्चे की शुरुआत की 10 दिन, तो उसमें हमको लाइट से उसको गर्मी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम गर्मी नहीं देंगे तो काफ़ी बच्चे मर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे और वो मर जाएंगे, तो फार्मर का बहुत ही नुकसान होगा। पाँचवीं सबसे बड़ी बात है तो वो ये है कि अगर आप ब्रॉयलर करें या लेयर करें, सबसे बड़ी चीज़ है आप वैक्सीन करें। अगर आप मुर्गी पालते हैं तो वैक्सीन जो होती है, जो टीकाकरण होता है, जो हम की वायरस की बीमारियां होती हैं, जैसे रानीखेत हो गई, गम्बोरो हो गई, IBH हो गई, तो इन बीमारियों का जो टीकाकरण आता है तो उस टीकाकरण को जो है उनके जो निर्धारित स्वरूप होते हैं, जो दिन होते हैं, उस दिन पर जो है टीकाकरण अवश्य करें।